हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर एंड बिटर टेस्टेस ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम। हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हमारे खाने में जो खट्टा टेस्ट होता है वो एसिड की वजह से होता है और जो कड़वा टेस्ट होता है वो बेस की वजह से होता है। If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? हमसे कहा जा रहा है कि अगर हमारी फैमिली में कोई सफर कर रहा हो एसिडिटी की प्रॉब्लम से, तो हम उसे रेमेडी की तरह क्या सजेस्ट करेंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई एसिडिटी से सफर कर रहा है तो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसे कोई ऐसा सब्सटेंस देंगे जिसका नेचर बेसिक हो। तो चलिए देखते हैं किस सब्सटेंस का नेचर बेसिक है। लेमन जूस, लेमन जूस हमारा खट्टा होता है, इसका मतलब वो एसिडिक है। विनेगर, हमारा विनेगर भी खट्टा होता है टेस्ट में, इसका मतलब वो भी एसिडिक है। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा कड़वा होता है टेस्ट में, इसका मतलब हमारा बेकिंग सोडा बेसिक है नेचर में, इसीलिए हम उस इंसान को बेकिंग सोडा सॉल्यूशन सजेस्ट करेंगे। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल चूजिंग द रेमेडी, आपने रेमेडी को चूज करते वक्त किस प्रॉपर्टी के बारे में सोचा। श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस To nullify each other's effect. हमसे कहा गया है कि आपने डेफिनेटली अपनी नॉलेज को यूज किया होगा। कौन सी नॉलेज? हमें पता है कि जो एसिड्स हैं और जो बेसिस हैं वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं, तो हमने इसी अपनी नॉलेज को यूज किया था। Recall how we tested sour and bitter substances without tasting them. याद कीजिए हमने कैसे टेस्ट किया था sour और bitter substances को बिना उन्हें टेस्ट किए। You already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red. हमें पहले से पता है कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में और ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। वेयर एज बेसिस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, जबकि जो हमारे बेसिस होते हैं वो कड़वे होते हैं टेस्ट में और वो रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो इंडिकेट करता है कि हमारा सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर, हमारी हल्दी जो होती है वो एक ऐसा ही इंडिकेटर है। हैव यू नोटिस्ड दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लोथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट। क्या आपने नोटिस किया है कि हमारे कपड़े पर अगर कड़ी का दाग लग जाए और फिर हम उसको सोप से रब करें तो जो हमारा कलर होता है वो रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? हमारा सोप बेसिक होता है नेचर में और जब हमारा सोप करी के कांटेक्ट में आता है, करी जिसमें कि टर्मरिक होती है, हमारी करी में तो टर्मरिक होती ही है, तो जब हमारा सोप टर्मरिक के कांटेक्ट में आता है तो वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। यानी कि जब भी हमारे टर्मरिक के कांटेक्ट में कोई भी ऐसा सब्सटेंस आएगा जो कि बेसिक है नेचर में, तो हमें रेडिश ब्राउन कलर ऑब्टेन होता है। आप अपने घर पे एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब आप टर्मरिक को किसी भी एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे, एसिड जैसे कि हम सबके घर में लेमन होता है, विनेगर होता है, जब आप टर्मरिक को एसिड और विनेगर के कांटेक्ट में लाएंगे तो उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि टर्मरिक जब भी एसिड के कांटेक्ट में आता है तो कलर में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आप टर्मरिक को किसी बेस के कांटेक्ट में लाएंगे, जैसे कि सोप, सोप हमारा बेसिक होता है नेचर में, तो जो कलर होगा वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा टर्मरिक जब भी किसी बेस के कांटेक्ट में आता है तब हमें रेडिश ब्राउन कलर ऑब्टेन होता है। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लोथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर, वो वापस से हमारा जो कलर है वो येलो हो जाता है जब हम अपने कपड़े को पानी से धुलते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनाफ्थलीन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। हम सिंथेटिक इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, कुछ जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं जैसे कि टर्मरिक, लेकिन हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हैं जैसे कि मिथाइल ऑरेंज या फिर फिनोप्थलीन टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेस, एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस, हाउ एसिड एंड बेसिस कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट एंड मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी यूज एंड सी इन अवर डेली डे टू डे लाइफ। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एसिड और बेस के रिएक्शन के बारे में और हम देखेंगे कि कैसे एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं और कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और देखते हैं। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, जो हमारी लिटमस सॉल्यूशन होता है वो एक पर्पल डाई होती है जिसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइकेन से। अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थेलोफाइटा एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। लाइकेन जो होता है हमारा वो एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म होता है जो कि कंसिस्ट होता है फंगस और एल्गे से। अब फंगस और एल्गे जो है वो हमारे
हमारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा लिटमस सॉल्यूशन है वो एक पर्पल डाई होती है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइकेन से। लाइकेन एक प्लांट होता है जो कि बिलोंग करता है टू द डिवीजन थेलोफाइटा। हमने प्लांट्स को डिवाइड किया था, हमने प्लांट्स के डिवीजन को पढ़ा है और हमें पता है कि उसमें से एक डिवीजन होता है थेलोफाइटा एंड इज कॉमनली यूज एन इंडिकेटर। और कॉमनली हम इस लिटमस सॉल्यूशन को इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. जब हमारा litmus solution ना तो acidic होता है और ना ही basic होता है तो इसका color purple होता है। There are many other natural materials like red cabbage leaves, turmeric, colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia and geranium, which indicate the presence of acid or base in a solution. कई सारे natural indicators होते हैं जैसे कि turmeric हमने ऊपर पढ़ा, red cabbage leaves, colored petals of कुछ flowers। ये सारी चीजें जो होती है वो इंडिकेट करती है प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर्स। इन्हें हम एसिड बेस इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं या फिर सिंपली इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं। हमारा जो थेलोफाइटा होता है वो एक फॉर्मल डिवीजन होता है प्लांट किंगडम का। जब हम प्लांट किंगडम के डिवीजन को पढ़ते हैं तो उसमें एक डिवीजन के बारे में हम पढ़ते हैं थेलोफाइटा। इसमें इंक्लूड होते हैं सिंपल प्लांट जिनमें ना तो पत्तियां होती हैं, ना ही स्टेम्स होते हैं और ना ही रूट्स होते हैं। इनमें बेसिकली थेलोफाइटा में बेसिकली हम एल्गी, फंगस, लाइकेन इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एसिड्स और बेसिस की। दीज इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स जैसे कि रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस, फिनॉप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशंस। ये जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं ये हमें बताते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है बाय चेंज इन कलर। उनके कलर में कोई चेंज होता है और हमें पता चलता है कि सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। देयर आर सब सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। कई सारे ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में। इन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स वनीला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल और अनियन, ये सारे हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट है जो आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है कि एक प्लास्टिक की बैग लेनी है और उसमें कुछ फाइनली चॉप्ड अनियंस यानी कुछ अनियंस को काटकर उस बैग में डालना है और उसके साथ ही उस बैग में कुछ कपड़ों की स्ट्रिप्स डाल देनी है। उस बैग को टाइटली बंद करना है और पूरी रात के लिए फ्रिज में छोड़ देना है। सुबह जो आपको कपड़े की स्ट्रिप्स मिलेंगी आप उनको यूज कर सकते हैं एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए। तो अब आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और फिर आप उन स्ट्रिप्स को एसिड के कॉन्टैक्ट में ले जाएंगे, एसिड के कॉन्टैक्ट में जैसे कि लेमन या फिर विनेगर के कॉन्ट्रैक्ट में, और बेस के कॉन्टैक्ट में ले जाने के लिए आप उसको सोप के कॉन्टैक्ट में ले जा सकते हैं और फिर आप खुद बताएंगे कि आपने क्या नोटिस किया। नेक्स्ट इज हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। हमारे एसिड्स और बेसिस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। नोट दैट मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। हमारा जो मेटल था उसने डिस्प्लेस किया हाइड्रोजन को फ्रॉम द एसिड एसिड से। दिस इज सीन एज हाइड्रोजन गैस। द मेटल कंबाइंस विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड एंड फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। दस द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एन एसिड कैन बी समराइज्ड एज। जब हमारा एसिड एसिड जो होता है वो मेटल से रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये जो हमारा मेटल होता है वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देता है एसिड में से। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास HCl है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमारे पास एक मेटल है जिंक। तो हमारा जो जिंक होगा वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा HCl में से, और ये जिंक खुद क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड फॉर्म करेगा। जिंक क्लोराइड हमारा सॉल्ट है और हमें यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हुई। इसी तरह से हम अगर सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाएं जिंक से तो जिंक वापस से हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, और SO4 के साथ रिएक्ट करके हमें जिंक सल्फेट ऑब्टेन होता है जो कि एक सॉल्ट है और साथ में हाइड्रोजन गैस। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलोज। अब हम देखेंगे कि जब हमारा मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। हमने देखा कि जब हमारा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। अब हम देखेंगे कि जब हमारा मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है। हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। जब ये जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। यू फाइंड दैट अगेन हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। हमने देखा कि वापस से हाइड्रोजन जो है वो फॉर्म हुआ है रिएक्शन में। हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। जबकि ऐसे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है सारे मेटल्स के साथ। How do metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acids? कैसे metal carbonate और metal hydrogen carbonate react करते हैं acid के साथ, चलिए देखते हैं।
सबसे पहले हमें गिवन है मेटल कार्बोनेट विच इज सोडियम कार्बोनेट। जब हमारा सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हमारा मेटल कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करता है तो हमें NaCl मिला, सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट जब हमारा एसिड रिएक्ट करता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तब हमें सॉल्ट ऑप्टेन होता है प्लस H2O प्लस CO2, यानी दोनों ही केसेस में सेम प्रोडक्ट्स ऑप्टेन हो रहे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, अगर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें यहाँ पर मिली है अगर हम इसको पास करें लाइम वाटर के थ्रू, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू इस गैस को पास करेंगे तो CaCO3 फॉर्म होगा। CaCO3 हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि वाइट प्रेसिपिटेट की तरह फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट मतलब एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्लस H2O, और साथ में हमें मिलता है H2O। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, और अगर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करें यानी कि CaCO3 ऑप्टेन हो गया और H2O ऑप्टेन हो गया लेकिन हम फिर भी CO2 पास ही करते रहें, तब हमें ऑप्टेन होता है CaHCO3 का होल ट्वाइस जो कि बेसिकली सॉल्युबल होता है वाटर में। लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म्स है लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दस द रिएक्शन कैन बी समराइज्ड एज मेटल कार्बोनेट स्लैश मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, now let's see how do acid and bases react with each other. In the above activity we have observed that effect of a base is nullified by an acid and vice versa. The reaction taking place is written as, humne pehle padha hai ki acid aur jo base hote hain wo ek dusre ko nullify kar dete hain. चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, और हमारे पास एक एसिड है हाइड्रोजन क्लोराइड। जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमें ऑप्टेन होता है सॉल्ट प्लस वाटर, NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है और प्लस वाटर। The reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction. अब देखिए, acid और base जब react करते हैं तो एक दूसरे को nullify कर देते हैं, इसीलिए हमने इस reaction का नाम रख दिया neutralization reaction. In general, a neutralization reaction can be written as base plus acid gives salt plus water. Reaction of metal oxides with acids. अब हम देखेंगे metal oxides कैसे react करते हैं acids के साथ. You will notice that the color of the solution becomes blue-green and the copper oxide dissolves. The blue-green color of the solution is due to the formation of copper second chloride in the reaction. The general reaction between a metal oxide and an acid can be written as. हमें यहाँ पर एक activity दी गई है कि एक small amount of copper oxide लेना है beaker में और उसमें हमें add करना है acid को और उसे slowly stir करते रहना है, और हमें कहा गया है कि नोट करिए कलर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। आप उस सॉल्यूशन के कलर को नोट करिए और बताइए कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हुआ। तो इसमें कहा गया है कि आप नोटिस करेंगे कि जो कलर है सॉल्यूशन का वो ब्लू ग्रीन हो गया है और कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व हो गया है। ये जो ब्लू ग्रीन कलर है सॉल्यूशन का वो इसलिए है क्योंकि वहां पर कॉपर सेकेंड क्लोराइड फॉर्म हुआ है जो कि एक सॉल्ट है। इन जनरल में हम रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं कि जब हमारा मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं हमारे Na2O को, Na2O ये हमारा मेटल ऑक्साइड है जिसे हम सोडियम ऑक्साइड भी कहते हैं। जब ये हमारा HCl से रिएक्ट करेगा, जब हमारा मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। अब सॉल्ट के लिए हमें मिलेगा NaCl, 2NaCl, ये हमें मिल गया सॉल्ट NaCl, और साथ में हमें मिलेगा वाटर प्लस 2H2O। अब यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की कि जो हमारी रिएक्शन है ये बिल्कुल सेम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखा था कि बेस प्लस एसिड रिएक्ट करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर देने के लिए, वैसे ही यहाँ पर एसिड हमारा रिएक्ट कर रहा है मेटल ऑक्साइड के साथ और हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहे हैं प्रोडक्ट्स में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक है नेचर में, और जब बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, इसीलिए हम मेटल ऑक्साइड्स को बेसिक ऑक्साइड्स भी कह सकते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। इसी तरह से जब हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक होते हैं नेचर में वो रिएक्ट करते हैं बेस से तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारा एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस
reacts with carbon dioxide to produce salt and water. Since this is similar to the reaction between a base and an acid, we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature. अब यहाँ पर देखिए, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, और हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है रिजल्ट में. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो CO2 है वो एसिडिक है नेचर में, तो हमारे जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में. नेक्स्ट है, वॉट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन. ये एसिड्स और बेसिस में कॉमन क्या होता है? वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. वॉट लीड्स टू दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज? वी सॉ इन एक्टिविटी 2.2 दैट ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस. हमने एक चीज नोटिस करी कि सारी एसिड्स जो होती है वो हाइड्रोजन गैस जनरेट करती हैं ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्ट करने पे. सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स. ऐसा लगता है जैसे हाइड्रोजन जो है वो कॉमन है सारे एसिड्स में. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक. चलिए एक एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं कि जो हमारे सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन होता है क्या वो सारे ही एसिडिक होते हैं. हमसे कहा गया है कि सॉल्यूशन लीजिए ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का. दो नेल्स हमें लेने हैं और हमें उन्हें फिट करना है इस तरह से. ये हमने दो नेल्स लिए हैं और हमने उन्हें कॉर्क में फिट किया है एंड प्लेस द कॉर्क. और ये हमारा 100 मिलीलीटर का बीकर है. इसमें हमने एक कॉर्क रखा है, रबर कॉर्क, और यहाँ पर ये हमारी नेल्स है. और हमने इसको कनेक्ट किया है टू द टू टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्टेज बैटरी. एक बैटरी है जो कि 6 वोल्टेज बैटरी से हमने इसको कनेक्ट किया है थ्रू अ बल्ब, एक बल्ब के थ्रू, एंड अ स्विच. और यहाँ पर एक स्विच भी है जैसा कि हमने इस फिगर में देखा. नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट. अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम सारे सॉल्यूशंस को इसमें डालेंगे और हम देखेंगे कि क्या होता है. सबसे पहले हम इसमें HCl डालेंगे और देखेंगे कि क्या होता है. फिर हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन डालेंगे, फिर हम इसमें हमारे अल्कोहल का सॉल्यूशन डालेंगे, और फिर हम इसमें हमारे ग्लूकोज का सॉल्यूशन डालेंगे. यानी वन बाय वन हम सारे सॉल्यूशंस को डालेंगे और हम देखेंगे कि क्या हमारा बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है. The bulb will start glowing in the case of acids as shown in figure 2.3. But you will observe that glucose and alcohol solutions do not conduct electricity. हमने देखा कि हमारे जो glucose है और alcohol solutions है वो electricity conduct नहीं करते. Glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution. जब bulb glow करता है इसका मतलब क्या है कि जो electricity है वो flow कर रही है solution के through. The electric current is carried through the solution by ions. और जो ये electric current है वो flow कर रही है ions की वजह से. क्योंकि हमारे एसिड्स में कटायन प्रेजेंट होते हैं, कटायन H प्लस. हमारे जो एसिड्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन के आयन्स प्रेजेंट होते हैं. ये सजेस्ट करता है कि जो हमारे एसिड है वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन्स सॉल्यूशन में. हमने जब HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन डाला तब उस केस में बल्ब ग्लो कर रहा था. क्यों? क्योंकि एसिड में H प्लस आयन्स होते हैं, कटायन्स होते हैं, जो कि हमारा एसिड प्रोड्यूस करता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज. और यही आयन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए. हमें कहा गया कि सेम प्रॉपर्टी को रिपीट करिए एल्कलीज के साथ. और बताइए कि आपने क्या कॉन्क्लूड किया. व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन? एसिड और बेस के साथ क्या होता है वाटर सॉल्यूशन में? दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन्स इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. द सेपरेशन ऑफ H+ आयन्स फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. जो सेपरेशन होता है H+ आयन्स का एसिड से वो केवल और केवल वाटर की प्रेजेंस में ही हो सकता है. जब हमारा HCl, हमारा एसिड H2O की प्रेजेंस में होता है तब हमारा हाइड्रोजन का जो ये H प्लस जो कटायन है वो सेपरेट हो जाता है एसिड से. हाइड्रोजन आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन. हाइड्रोजन आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बल्कि ये एग्जिस्ट करते हैं आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स. यहाँ पर हमारा H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ ये H प्लस आयन्स जो है वो कंबाइन करते हैं, उसके बाद ये एग्जिस्ट करते हैं. ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते. दस हाइड्रोजन आयन्स मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H प्लस एक्वस और हाइड्रोनियम आयन. इसीलिए हमें हमेशा हाइड्रोजन आयन्स को इस तरह से दिखाना होगा, H प्लस एक्वस. इसका मतलब है कि जो हमारे हाइड्रोजन आयन्स हैं वो वाटर में हैं, या फिर हाइड्रोनियम आयन की तरह इन्हें शो करना होगा. वी हैव सीन दैट एसिड गिव्स हाइड्रोनियम आयन और H प्लस एक्वस आयन इन वाटर. लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. जब हम बेस को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो हमें क्या मिलता है? तब हमें Na प्लस का आयन मिलता है एक्वस फॉर्म में, और साथ में हमें मिलता है OH एक्वस. जैसे कि फर्दर जब हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, जब ये H2O की प्रेजेंस में आएंगे तो हमें K प्लस का आयन मिल रहा है, मैग्नीशियम का आयन मिला है, और साथ में हमें मिला है OH. बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन्स इन वाटर. हमारे जो बेस होते हैं वो जनरेट करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर.
बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। बेसिस जो सोल्यूबल होते हैं वाटर में उन्हें हम कहते हैं एल्कलीज। ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। सारे बेसिस पानी में डिजोल्व नहीं होते। एल्कली वो बेस होता है जो कि पानी में डिजोल्व हो सकता है। दे आर सोपी टू टच। जब उन्हें टच करेंगे तो वो सोपी होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं और कोरोसिव होते हैं। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। Now as we have identified that all acids generate H+ ions and all bases generate hydroxide ion, we can view the neutralization reaction as follow. तो अब हम neutralization reaction को इस तरह से देख सकते हैं। देखिए हमारा acid जिसमें कि हमारा H+ होता है यानी cation होता है, acid हमारा जो कि cation produce करता है, और हमारा base जिसमें कि hydroxide ion होता है, ये दोनों जब साथ में आते हैं तब हमें water का molecule मिलता है और बचे हुए part से हमें salt obtain होता है। Let us see what is involved when water is mixed with acid or a base. चलिए देखते हैं क्या involve होता है जब हम acid और base को mixed करते हैं पानी के साथ, water के साथ। The process of dissolving an acid or a base in water is highly exothermic one. जो हमारा process होता है dissolve करने का acid और base को पानी में, वो काफी exothermic होता है, यानी उस वक्त काफी ज्यादा heat energy release होती है। Care must be taken while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. जब हम concentrated nitric acid को या फिर sulfuric acid को पानी के साथ mix कर रहे हैं तो हमें careful रहना चाहिए। The acid must always be added slowly to water with constant stirring. Acid जो है वो पानी में add किया जाना चाहिए धीरे धीरे, बहुत slowly slowly acid को add करना चाहिए और constant stirring के साथ। If water is added to the concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. अगर हम गलती से भी एसिड में पानी को ऐड कर देते हैं, यानी एसिड रखा है और उसमें हमने पानी ऐड कर दिया, तो जो हीट जनरेट होगी उसकी वजह से हमारा मिक्सचर जो है वो स्प्लैश आउट हो सकता है और जिसकी वजह से हमें नुकसान भी पहुंच सकता है। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक, हो सकता है ग्लास कंटेनर भी टूट जाए एक्सेसिव लोकल हीटिंग की वजह से। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन शोन इन फिगर 2.5 ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स। So, ये यहाँ पर हमें एक साइन दिखाया गया है। तो यानी कभी भी हमें एसिड में पानी को ऐड नहीं करना है, बल्कि पानी में हम एसिड को ऐड करते हैं कांस्टेंट स्टिरिंग के साथ। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस। और जब हम ऐसा करते हैं, यानी कि जब हम पानी में एसिड को ऐड करते हैं कॉन्स्टेंट स्टिरिंग के साथ, तब हमारे जो आयंस होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। हमारा हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन पर यूनिट वैल्यू में डिक्रीज हो जाते हैं। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ऐसे प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं और एसिड और बेस को डाइल्यूटेड कहा जाता है।